नमस्ते किसान भाइयों, आज हम सेमिनीज बायर के मेगा ब्रीडिंग स्टेशन बैंगलोर में सेमिनीज के प्रगति दिवस के इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेमिनीज बायर कंपनी का जो टमाटर है, जो FDR टमाटर है, जो है 8323, ये इसका USP ऐसा है कि ये है बहुत ज़्यादा फर्म है और इसका साइज़ जो है वो शुरू से लेके एंड तक एक जैसा रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये टोमेटो का प्लॉट है। यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे सेमिनीज वेजिटेबल सीड्स और बायर कंपनी के जो टमाटर है, जो कि समर सीज़न में आने वाला टमाटर है, ये है अथर्व, जो कि हम अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इसका USP ऐसा है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा फर्म है और इसका यूनिफॉर्म साइज़ की वजह से ये मार्केट में इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे से आ रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा सेमिनीज का और एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है जिसका नाम है आर्यमान, और ये आर्यमान प्रोडक्ट जो है, जो हम लोग अभी आए हैं आर्यमान के पास में, ये आर्यमान जो है वो सेमिनीज बायर कंपनी का जो है वो खरीफ सीज़न में चलने वाला या फिर खरीफ सीज़न में चलने वाला टमाटर है। ये टमाटर जो है, ये टमाटर हम लोग जो अप्रैल से लेके आपके अगस्त तक का इसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें ये है कि इसका फर्मनेस बहुत अच्छा है और दूसरी बात इसका यूनिफॉर्म साइज़ की वजह से और इसका एक अट्रैक्टिव कलर की वजह से इसको मार्केट में फार्मर से या फिर ट्रेडर से बहुत अच्छा इसका मांगनी आता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो और एक टमाटर है जो कि सेमिनीज वेजिटेबल सीड्स का जो है वो समर सीज़न का टमाटर है, जो है हमारा अंसल का जो हम ट्रांसप्लांटिंग है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें अच्छी है, इसका डिसीज़ का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर बहुत कम आता है, इसका फ्रूट का साइज़ जो है वो एकदम यूनिफॉर्म रहता है, और फार्मर को सबसे अच्छी बात ये है कि ये शुरू से लेकर एंड तक इसका साइज़ जो है वो एक सरीका है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेगा ब्रीडिंग स्टेशन में। थैंक यू। Thank you so much. Can I see the video quickly?